यो 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 भाई लोग, कैसे हैं आप सभी? और आप सभी लोग देख रहे हैं आपका अपना आरिश खान। तो अपनी आरिश खान की फैमिली कैसी है? पूरी की पूरी। तो गाइज, आज का जो डे है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारा एक सीक्रेट बेस दिखाने वाले हैं आपको, जो कि आसमान में है, जहां से हम पूरे के पूरे लॉस सैंटोस पर वो रखते हैं, नजर रखते हैं बेसिकली। तो या सबसे पहले वहां पर जाने के लिए, वहां पर जाने के लिए, अरे सर जी ट्रक दे दो। आई नीड योर ट्रक मैन, ले लेना बाद में मुझसे, एक ट्रक भिजवा दूंगा तुझे मेरे भाई। बस यहीं तक तो जाना है लॉस सैंटोस एयरपोर्ट तक, क्योंकि गाइस था नहीं मेरे प्यार ट्रक कोई। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। चलो ओ ठुक गई। खैर ट्रक चलाने में कुछ ज्यादा नुकसान हो जाता है, जिसका ट्रक था उसका तो बेचारे का नुकसान हो ही गया। खैर मैंने नहीं किया, मेरी वजह से हो गया, हो जाता है कभी कभी ऐसा। आई होप कि नहीं हुआ होगा, जो भी हुआ होगा ठीक है। अभी ये ऐसा हुआ कि आपको हमारे लॉस सैंटोस की आवाज़ तो आई नहीं रही थी, सिर्फ हमारी आवाज़ सुन रहे थे आप, अब आ रही होगी आवाज़। ऐसा ऐसा हो जाता है कभी, ऐसा जादुई दुनिया जैसी चीज़ें हो जाती हैं, तो इन चीज़ों को इग्नोर किया कीजिए। अरे यार गालियाँ बहुत देती हैं, आखिर लड़कियाँ भी बहुत गालियाँ देती हैं। अब मुझे नहीं पता इतनी गालियाँ लोग क्यों देते हैं, आई डोंट नो गाइस। अबे यार ट्रक देख रहे हो, चलने के लायक नहीं रहा है, चलने के लायक रहा ही नहीं। अरे मैडम जी मैं तेरा भाई नहीं है, सॉरी। हम BMX पे जाएंगे। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। चलो भगाओ, अरे भगा ले, भगा लो पाजी। चलो भगाओ, चलो 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 चलो। हाँ बढ़िया, अब चल रही है, थक जाता है असल में कलुआ। ओ बेचारे के बंदे के ऊपर ही चढ़ा दी मैंने साइकिल। ओ वो मेरा हेटर बन गया था क्या? आई डोंट नो, शायद। हेलो सर, साइकिल कितने तक, कितने की स्पीड तक लेकर जा सकता हूँ मैं? 60, 61 मोर देन वो है, इनफ है इसके लिए। साइकिल की 60 की स्पीड तक भी बहुत तेज़ है भाई, 60 की स्पीड भी गाइज एक साइकिल के लिए बहुत ज़्यादा है, 60 की स्पीड भी रियली में बहुत ज़्यादा है। बट कोई बात नहीं, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी चले जा रहे हैं। अभी बेसिकली वहाँ पर हेलीकॉप्टर है, अब मेरे को अपने स्पेस शटल के अंदर जाने के लिए। अगर मैं आपको दिखाऊं, हाँ यहीं पर है सीधा, ये शायद दिखेगा यहाँ से। छोटा सा दिख रहा है, बहुत छोटा सा दिख रहा है, दिख रहा है वो, दिख रहा है आसमान में, बहुत छोटू सा दिख रहा है। वहीं जाना है हमें, अभी देखते हैं कौन सा प्लेन लेकर जा पाएगा वहाँ पर। अपने नॉर्मल वाले जा भी पाएंगे नहीं मेरे ख्याल से, वहाँ जाने के लिए ना मेरे को जेट की ज़रूरत होने वाली है। आई थिंक के वहाँ पर गाइस जेट ही जाएगा। चलो एक हाइड्रा स्पॉन करते हैं,
ओके 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 ओह माय गॉड, तो हाइड्रा काफी अच्छा है। तो यार गाइस यही हमें लेकर जाएगा, इसको मैक्स मॉडरेट कर दिया मैंने। क्या हुआ? सबसे पहले तो हमें आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचना होगा। अभी देखते हैं कि कितनी देर में हम पहुंच पाएंगे। हमें वहां कहीं आसमान में जाना है गाइस, अभी तो देखने दो पहले। कितनी देर में हम उतनी ऊंचाई तक जा भी पाएंगे या नहीं। मेरे को अपना वो स्पेस शटल जो है ऊपर दिख रहा है। हाँ बेसिकली हम ऊपर तो जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं और जा रहे हैं। हाँ पूरी आसमान में ही जाना होगा उस चीज के लिए, तो अगर हम जाएं, समझ रहे हैं आप, वहां पर एक एलियन है जो कि वर्क कर रहा है ऐसी जगह के लिए। बेसिकली एलियन का कॉस्ट्यूम पहना के एक बंदे को रखा, अगर कोई बंदे आ भी जाए ना तो एलियन को देखकर डर के ही भाग जाए। अभी तो फिलहाल ऊपर का ही वो है, हाइड्रा जो ऊपर ही जाएगा अभी। चलो हाँ चलो 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 हाँ ज्यादा ऊंचाई पर भी नहीं है वो, हम 200 की स्पीड से बढ़ रहे हैं उसकी तरफ। देख रहे हैं गाइस हम कितनी स्पीड से जा रहे हैं उसकी तरफ। बस ये हाइड्रा जो है पानी में जाके गिरेगा, इसको पानी में से उठवाना पड़ेगा मुझे, और फिर मुझे ड्रोन उठाकर बिठाएगा वहां पर। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। आई थिंक वहां तक जो ना हाइड्रा खराब भी हो सकता है। तो ये रहा, अपना स्पेस शटल और ये हाइड्रा के ऊपर से लगाई मैंने जंप। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, कलयुग को उस टाइम सिर्फ ड्रोन ही बचा सकता है। ओह माय गॉड, ड्रोन भी नहीं बचा पा रहा कलयुग को। बचा लिया, ज्यादा दूर भी नहीं गिरा था कलवा। बेसिकली ड्रोन से क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं दोस्तों हमारे लिए। या तो अगर ड्रोन ना होता तो हम यहाँ तक पहुंच ही ना पाते। देख रहे हैं दोस्तों, अगर आकाश आज हमारा ड्रोन ना होता ना हमारे साथ। अब बेसिकली यहाँ पर ये कुछ थर्मामीटर्स वगैरह लगे हुए, और ये आसमान में कैसे उड़ रहा है उसका भी रीजन हम बताएंगे आप।
खुल जा सिमसिम, ये दरवाजे सिर्फ हमारे कहने से खुलते हैं। तो या अंदर ही है, खुल गया सिमसिम। यहाँ पर गैस सूट्स वगैरह सब कुछ है। अगर तुम सीधा यहाँ से कूदते हो पानी में तो ये लेकर कूदना, ठीक है। ये दरवाज़ा भी खुल गया, नीचे जो है कांच लगा हुआ, फैसिलिटीज़ हैं। और यहाँ पर ही बेसिकली इस चीज़ का इंजन है, ठीक है। और इससे ना पूरे शहर के ऊपर ना सैटेलाइट्स ऐसे लगे हुए हैं इसके अंदर, पूरे शहर के ऊपर जो है नज़र रखी जाती है। ये बहुत आसमान की ऊंचाइयों पर है तो वो थोड़ा खतरा बना रहता है। तो आ गए हम। तो ये रहा अपना एलियन बाहू जो यहाँ पर वर्क कर रहा है। हमने बेसिकली इसे एलियन जैसी कपड़े पहना दिए हैं, ठीक है। वो इस कंप्यूटर में से पूरी जान, एक छोटा सा कंप्यूटर की स्क्रीन पर ये पूरा लॉस सैंटोस का मैनेज देखता है। और ये देख रहे हो तीन तीन लगे हुए यहाँ पर, मौसम कैसा रहेगा सब कुछ कैसा है वो बताएगा। और मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ बेसिकली है तो इसी का बस, अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मेरे खाने पीने के लिए ये है और सोने के लिए ये है। परंतु मैं बताऊँ, ये जो आप फोटो देख पा रहे हैं इसी लड़के की जिसने कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, और ये इसकी वाइफ है, और ये इसका जो भी जहाँ से इसने एजुकेशन प्राप्त की है वो है। यहाँ पर इसका रेफ्रिजरेटर है भाई, जो के लिए सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल है। अगर कुछ भी खाना चाहता है हर चीज़ अवेलेबल है गाइस। हम हर चीज़ का ख्याल रखते हैं अपने जो भी हमारे वर्कर्स होते हैं उनका, ठीक है, समझ गए आप। और ये जो नीचे जो सेक्शन आ जाता है ये ग्रे वॉल्ड सेक्शन है, तो अगर आप नीचे वाले वॉल्ट से भी जाना चाहें तो यहाँ से भी जा सकते हैं, अगर बेसिकली कभी ना कभी आप नीचे वाले वॉल्ट में आ गए तो, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा बंदा है, और यहाँ पर आप देखिए ये देख रहे हो कैसी दवाइयाँ हैं, डेंजर है बेसिकली ये सारा सामान। ये कुछ ऐसा सामान है जिसको हम धरती पर नहीं रख सकते हैं, खतरे से खाली नहीं, जैसे कि ये चांदी का, समझ पा रहे हैं। और ये हमारे इकोसिस्टम्स लगे हुए हैं यहाँ पर जो कि पावर सप्लाई आ रही है। और एक ये है, इसने भी एलियन वाले पहने हुए हैं। ये बेसिकली हेड रूम है, हेड ऑफिस ये वाला है जहाँ पर बहुत ज़्यादा माल पानी रखा हुआ है। चलो हटाओ, यहाँ पर कैमरास भी लगे हुए जो कि जिनको मैं अपने घर से ही देखता रहता हूँ। अब इसके अंदर कुछ दिक्कत आ रही है यार, काफ़ी ऊपर ये, आई डोंट नो वाई, इसको चेकआउट करवाना पड़ेगा। ये बोल रहे हैं कि इसी में कुछ दिक्कत आ रही है। चल मैंने कहा ठीक है मैं दिखवा दूंगा भाई, और क्या कर सकते हैं दोस्तों, है ना। वो था नीचे वाला वॉल्ट, ठीक है, समझ गए आप। और जब भी यहाँ से अगर जाना है, अगर किसी को पानी की तरफ जाना है तो पानी का वो लेता है। अब जैसे कि मुझे तो सीधा अपने घर ही जाना है, लॉस एंटो जाऊँगा यहाँ से, तो बस दिल गुर्दा होना चाहिए इस चीज़ को देखने के लिए। और मैं आपको दिखाऊँ अगर, तो यहाँ से मैं ड्रोन अगर उड़ाऊँ, काफ़ी ऊँचाई पर से उड़ रहा है बेसिकली ड्रोन, तो ये ऐसे उड़ रहा है, समझ पा रहे हैं। नीचे प्रोपेलर्स हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, बस ऐसी ग्रेविटी में टंगा हुआ है, और यहाँ से पूरी हो जा रही है। देख रहे हो इतनी तगड़ी वो है दोस्तों, इसमें भी धुआं निकल रहा है। ये थोड़ी देर के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे भी यूजेज में है तो इसमें धुआं निकल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इंजन्स वगैरह इसके लगे हुए हैं, सैटेलाइट्स वगैरह लगी हुई हैं। तो आपको हमारी सैटेलाइट कैसी लगी दोस्तों, जो भी हमने आसमान में छोड़ी हुई है, ये ड्रोन शॉट्स आपको कैसे लग रहे हैं एक बार कॉमेंट करके बताना। तो चलिए अब हम लॉस सैंटोस चलते हैं, बहुत टाइम हो चुका है। चलो तो अब ये धीरे धीरे हम लॉस सैंटोस पहुँचेंगे अपने इससे सीक्रेट बेस से। मैं सीधा यहाँ से अपने घर ही लैंड करता हूँ, इतनी देर में तो हो जाएगी। अभी तो यहाँ से कम 1 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा मेरे को ज़मीन तक पहुँचने में, इतना ऊँचा था ये, ठीक है, वो पैराशूट के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि यार आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों। और ये जो है पैराशूट काफ़ी काम की चीज़ है, देख पा रहे हैं कलरफुल पैराशूट, ऐसे हम सीधा अपनी धरती की ओर जाते हुए, तो आप ऐसे जा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो अच्छी लगी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर कर दें आप दोस्त के साथ। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट और ब्रांड वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।